गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्या पढ़े थे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज क्या होना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और यह टेंस का अंतिम भाग है। ओके, आज टेंस समाप्त हो जाएगा। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हिंदी वाक्य का पहचान होता है समय के साथ, यानी इसमें समय दिया रहेगा, और कंटिन्यूअस की तरह इसका भी पहचान होता है, बस अंतर ये होता है कि इसमें समय दिया रहता है। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होंगे, इत्यादि शब्द होते हैं, तथा भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, कंटिन्यूटी होती है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट शैल और विल, हैव बीन मैंने एक साथ रखा है, हमेशा एक साथ ही रहेगा। ओके, नॉट लगाना होगा तो शैल या विल के बाद लगाएंगे, हैव बीन के बीच में कुछ नहीं आएगा। ओके, एंजी इन वर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, सिंस आर फार, टाइम। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? क्वेश्चन वर्ड, शैल आर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। अब इसमें कहीं निगेटिव आ जाए नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, फिर हैव बीन, फिर आइंजीन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, सिंस या फार, टाइम, क्वेश्चन मार्क। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। बच्चे 4 दिनों से मैच की तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी कर रहे होंगे, वर्क यही हो रहा है तैयारी करने का, वर्ब हो जाएगा। कौन कर रहा होगा तैयारी? बच्चे, सब्जेक्ट हो जाएगा। बच्चे तैयारी कर रहे होंगे किस लिए? मैच के लिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो टाइम है, 4 दिनों से, सिंस के साथ या फार के साथ लगाएंगे, देखते हैं क्या लगेगा। सिंस या फार का प्रयोग मैं पहले भी बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो जाकर के आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कहाँ सिंस लगाएंगे और कहाँ फार लगाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, बच्चे, चिल्ड्रेन, फिर शैल या विल में से क्या आना चाहिए? विल, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फिर हैव बीन ओके, फिर आईएनजी इन वर्ब, तैयारी करना, प्रिपेयरिंग, ऑब्जेक्ट मैच की, फार मैच एटसेट्रा, सिंस आर फार लगाएंगे से के लिए, प्रीपोजिशन। अब देखिए 4 दिनों से अनिश्चित है, अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे। फिर 4 डेज, बच्चे 4 दिनों से मैच की तैयारी कर रहे होंगे, ट्रांसलेशन क्या बना? चिल्ड्रेन विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मैच फॉर 4 डेज। क्लियर? अगर यह सेंटेंस नेगेटिव हो, बच्चे 4 दिनों से मैच की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, उस कंडीशन में नॉट कहाँ आना चाहिए? विल या शैल के बाद। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सारे सेंटेंस में होता है, सारे टेंसेज में होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए देखते हैं तब इसमें क्या करेंगे। क्लियर है, जब विल के बाद या सेल के बाद नॉट लगाएंगे तो यहाँ पर विल यहीं पे लिखा हुआ है, तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, तो इसमें क्या बनेगा? बच्चे 4 दिनों से मैच की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मैच फॉर 4 डेज। क्लियर? अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, बच्चे 4 दिनों से मैच की तैयारी क्यों नहीं कर रहे होंगे, ऐसा हो जाए, फिर क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब विल को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, सबसे पहले काम हम यही करते हैं। अब देखेंगे क्या क्वेश्चन वर्ड लगाना है या नहीं लगाना है, किस कंडीशन में लगता क्वेश्चन वर्ड। अगर हिंदी वाक्य में क्या शब्द वाक्य के शुरू में ही आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई भी कंडीशन रहेगा तो हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। चाहे शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या अलावा कोई और दूसरा आ जाए तब भी करेंगे, बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे। क्लियर है? तो बीच में आया है क्यों, तो लगाएंगे, हो जाएगा वाई। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर शैल या विल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव बीन। अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, जैसे इसमें हुआ है नॉट, फिर हैव बीन, फिर आईएनजी इन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट फॉर मैच एटसेट्रा, है नहीं, सिंस या फार, 4 डेज, बच्चे 4 दिनों से मैच की तैयारी क्यों नहीं कर रहे होंगे, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस बना वाई विल चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मैच फॉर 4 डेज। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर इसमें नेगेटिव हट जाए तो नॉट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सेंटेंस देखते हैं, वह 1 सप्ताह से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। तो परिश्रम कर रही होगी, नहीं को तो छोड़ दीजिए छाटने में, ये हो जाएगा वर्ब। कौन परिश्रम कर रहा होगा? वह, सब्जेक्ट, वह परिश्रम कर रही होगी, कैसा परिश्रम कर रही होगी? कठिन, ऑब्जेक्ट। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव में भी ये स्ट्रक्चर रखेंगे, बस नॉट हमको पता है कहाँ रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह, शी, ही क्यों नहीं, क्योंकि कर रही होगी,
सेंटेंस ही क्लियर है कि फेमिनिन जेंडर है, इसलिए हम सी का प्रयोग करेंगे। फिर शैल या विल में से क्या आना चाहिए, विल। फिर क्या आएगा, नहीं है तो नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर हैव बीन, हैव बीन। आईजीन वर्ब, वर्किंग। फिर ऑब्जेक्ट कोई है क्या, हाँ, किस तरह का वर्क कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, फिर ऑब्जेक्ट हो ही गया। फिर क्या आएगा, सिंस एफ आर, क्या रखेंगे यहाँ पे, एक सप्ताह से, अनिश्चित एफ आर का प्रयोग करेंगे, और एक सप्ताह, वन वीक। वह एक सप्ताह से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, ट्रांसलेशन क्या बना, सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर वन वीक। और अब यह सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो जाए, क्या आ जाए शुरू में ही, तो यह इंट्रोगेटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या शुरू में ही आ गया वाक्य के, छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। शैल या विल पहले आएगा, सी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और यह विल सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होगा, तो यहाँ हो जाएगा विल। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर विल, शैल, विल, सी। फिर क्या आएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया है, तो नॉट। फिर आएगा हैव बीन। फिर क्या आएगा, आईजीन वर्ब, वर्किंग हार्ड फॉर वन वीक। क्लियर, सब कुछ वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, यहाँ पे पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्लियर, क्या वह एक सप्ताह से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर वन वीक। यही क्वेश्चन वर्ड बीच में होता तो क्या करते, वह शुरू में आ जाता, और कुछ नहीं, चाहे जो भी होता, क्या ही बीच में आ जाओ, यहाँ पे व्हाट लिखेंगे, ठीक है। वह एक सप्ताह से कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रही होगी, तो वाई विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर वन वीक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, करके देख लीजिएगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों करता रहूँगा, इस तरह के भी सेंटेंस बन जाते हैं, करता रहूँगा, कर रहा हूँगा नहीं है, करता रहूँगा, बात एक ही है, कर लेते हैं। प्रतीक्षा करता रहूँगा वर्ब, कौन करेगा प्रतीक्षा, मैं, सब्जेक्ट, किसकी, तुम्हारी, ऑब्जेक्ट, सुबह से, तो टाइम है, देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहीं आया है, हाँ, क्यों, तो इसको लिखेंगे वाई सबसे पहले। फिर आएगा सेल या विल, क्या आएगा, सेल लिखा गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, और वी के साथ भी सेल का प्रयोग करते हैं, ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो फ्यूचर टेंस में अब सेल का प्रयोग होता ही नहीं है, किसी भी पर्सन के साथ, सभी पर्सन के साथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेल का प्रयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई। फिर अगर नेगेटिव नॉट शब्द है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, हैव बीन, हैव बीन। फिर क्या आएगा, आईजीन वर्ब, प्रतीक्षा करना, वेट में आईजी जोड़ेंगे, वेटिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू। और उसके बाद कुछ बच नहीं है, टाइम है, तो से के लिए हम सिंस का प्रयोग कर देंगे, प्रीपोजिशन। और सुबह है, निश्चित टाइम होता है सुबह, तो क्या लिखेंगे, मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और कुछ बच ही नहीं रहा। मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों करता रहूँगा, वाई सेल आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्लियर, समझ में आ गया। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्या करेंगे, अफर्मेटिव वाले कंडीशन में सब्जेक्ट पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा आई, और यहाँ पे हो जाएगा शैल। अगर यहाँ से क्यों हटा दें, तो मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूँगा, उस कंडीशन में सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, आज के लिए बस इतना ही, इसको प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी टेंस था, आज हम लोगों ने टेंस समाप्त कर दिया, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको पैसिव वॉइस। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मैं टेंस समाप्त हुआ है, ट्रांसलेशन समाप्त नहीं हुआ है, ट्रांसलेशन बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, इसको मैं और आगे कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, फिर पढ़ेंगे नरेशन, ओके, थैंक यू।